हिंदी भाषा पर आधारित भारत की एक ज्वलंत समस्या पर नुक्कड़ नाटक। हुआ करता था हमारा देश कभी सोने की चिड़िया। चिड़िया? कैसी चिड़िया? कहाँ की चिड़िया? अरे चिड़िया को तो खा गया पूरा का पूरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, ऊपर से लेकर नीचे तक है यही भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, बर्बादी के समुद्रों में डूबता जाए भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, मंत्री हो या संतरी सब फैलाए यही भ्रष्टाचार। 71 साल की हुई आजादी फिर भी चलता जाए भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, थाना हो या कोर्ट कचहरी चलता है बस यही भ्रष्टाचार। जिंदगी भर नहीं जीने देता मरने पर भी ना छोड़े ये भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, आज के इस दौर में सभी के रगों में भरता जाए भ्रष्टाचार। तेरे मेरे इसके उसके सबके माई बाप है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तुम किन नेताओं की बात कर रहे हो? क्या एक नेता दूसरे नेता को बंद करवाएगा? बोलो। नहीं, नेता कभी नहीं हो सकता। हाँ, पर ये सब बढ़ती महंगाई के पीछे ही तो घोटाले ही है। अब आप ही बताएं, जिस देश के नेताओं का नाम भी घोटालों में आएगा उस देश का क्या होगा? अब आप ही सोच लीजिए। अरे रुको रुको, सिर्फ नेताओं को इस भ्रष्टाचार का कारण बताना सही नहीं होगा। क्यों? मैं बताता हूँ, हम ही इस भ्रष्टाचार का कारण है। हम लोग अपना काम जल्दी करवाने के लिए घूस देते हैं। घूस देते हैं, सिफारिश करते हैं। सिफारिश करते हैं, और तो और चमचागिरी भी करते हैं। चमचागिरी भी करते हैं, और अगर किसी ने गलती से सच्चाई दिखाई और अच्छा काम किया तो सब कहते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो देखा आपने किस तरह हमारी रग रग में भर चुका है भ्रष्टाचार। अरे हाँ, आजकल पैसे दिए बिना एक काम नहीं होता। स्कूल में दाखिला चाहिए तो पैसे दो, नौकरी चाहिए तो पैसे दो, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो पैसे दो, राशन कार्ड बनवाना है तो पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। पता नहीं क्यों हम इस भरते भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े क्यों नहीं उतरते हैं। अरे क्योंकि यहाँ के लोग सरकोप है सरकोप। क्यों? हम इस भ्रष्टाचार को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। अरे बुड्ढू अभी भी नहीं समझे, यहाँ के लोग कायर है कायर। कायर और हम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे हैं? कभी कभी। और फिर 2-3 हरी पत्तियां पकड़ा दो तो हो जाएगा काम। भगवान जाने तेरे यहाँ क्या होगा। तुम लोगों को कोई हक नहीं है किसी को कुछ भी बोलने का। क्योंकि सब कहते हैं पहले खुद बदलो फिर दूसरों को बदलो। खुद बदलो, खुद बदलो। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हम युवाओं पे बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त कर इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ। भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ। भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ। नमस्ते, हिंदी भाषा के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है। ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यू
कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्त उमकाया। आ जानू बाहू ऊंची करके वह बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गए सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा कहते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वह अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपने कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया।